everyone, welcome back to my channel and welcome back to another episode of What's in My Meal. And मैं हूँ निधि. आज आपके साथ में अपना मील तो शेयर करूँगी ही, साथ में एक फिटनेस टिप भी शेयर करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फिटनेस फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं, तो ये टिप मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी मैं वीडियो में बताऊँगी और बाकी अपना What's in My Meal तो शेयर करूँगी. सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए विदाउट मच डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सुबह की शुरुआत हो गई है ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ये वाइट ढोकला या खट्टा ढोकला भी बोलते हैं, और चाय है साथ में. तो ये वाइट ढोकला येलोइश क्यों लग रहा है, वो एक्चुअली मैंने जो हस्बैंड के लिए टिफ़िन बॉक्स बनाया था, मतलब उसमें जो सब्ज़ी बनाई थी उसके लिए, तो उसी कढ़ाई में ही मैंने इसको तड़का भी दे दिया. तो उसमें जो भी मसाले वगैरह सब्ज़ी के लगे हुए थे वो सारे इसमें लग गए हैं, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया था, बट कलर थोड़ा सा वाइट की बजाय येलोइश हो गया था. हरी चटनी के साथ मैंने सर्व कर दिया. चटनी मैंने पहले से ही बना के स्टोर की हुई थी. और ये देखिए मौसम, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. पूरा मौसम जो है ना वो एकदम मॉइस्ट मॉइस्ट हो रखा है. और उसके बाद आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लंच बनाने वाली थी, पनीर की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ. तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा मेरे को तैयारी वगैरह करनी थी, बिकॉज़ वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है. तो मैंने सोचा कि चलो ये स्नैक्स खा लेते हैं. और स्नैक्स में बेसिकली मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने ये लिया है, पेरू बोलते हैं इसे. तो ये बहुत ही टेस्टी है, और इसका जो टेक्सचर है ना, ये अमरूद और नाशपाती का मिक्स लगता है मुझे, बट बहुत 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 ज़्यादा स्वीट था ये, बहुत ही अच्छा था पेरू. तो ये मैंने खा लिया है. और कल मैंने घी निकाला था, और घी निकालने के साथ ही मैं पनीर भी निकालती हूँ, इसीलिए आज लंच में पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ. तो ये घी मैंने एक बड़ी सी कांच की बरनी है, इसको वॉश करके ड्राई कर लिया था और उसी में स्टोर कर रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने बफेलो मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया, अभी मैं काऊ मिल्क नहीं ले रही हूँ. तो उसमें क्या है, जो क्रीम ज़्यादा इकट्ठी होती है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली मुझे घी बनाना पड़ता है, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा क्योंकि उतना कंजम्पशन नहीं है जितना कि मैं घी बना रही हूँ. तो मैंने इसलिए इस बड़ी बरनी में स्टोर करने का प्लान किया है. तो अभी तो इतना ही है, बट ग्रेजुअली ये भर जाएगा. और ये है खोया, जो कि घी निकलते टाइम बनता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वीट सा बना था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था. तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन रही है, और आपको बगल में दो ग्लास दिख रहे होंगे, कप और ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने भर के रखा है. बाय द वे, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने इसकी डिटेल रेसिपी अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप ज़रूर चेकआउट करना और ज़रूर 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 से ट्राई भी करना. बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ही ईजी टू मेक है, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. तो आप खुद के लिए तो बना ही सकते हो, अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो भी आप ये रेसिपी बनाओगे तो डेफिनेटली वो लोग आपको प्रेज़ करेंगे ही करेंगे. तो ये जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने क्या सोचा, मेरे पास जो कॉपर का मैं कंटेनर यूज़ करती हूँ, तो आज उसको वॉश करने का प्लान किया था मैंने, बिकॉज़ उसके अंदर पानी इकट्ठा स्टोर करते हैं, तो एक टाइम के बाद उसमें नीचे पानी जैसा स्टिकी स्टिकी सा होने लगता है ना, तो वैसा ना हो उसको अवॉइड करने के लिए उसको टाइम टू टाइम वॉश करना बहुत ज़रूरी है. तो आज मैंने वही वॉश करने का सोचा. तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने उसका पूरा पानी खाली कर दिया, और जस्ट पीने के लिए दो ग्लास पानी मैंने रख लिया था, क्योंकि बाद में तो मैं भर ही लूँगी. तो मैंने उसको वॉश कर दिया था अच्छे से, और उसको थोड़ा सा सूखने के लिए रखती हूँ मैं, उसके बाद उसमें पानी भरती हूँ. तो ये देखिए मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी मीनवाइल बन गई है, और मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है. मैंने ये पूरी सब्ज़ी भी बनाई और ये सब एक्स्ट्रा काम भी साथ में ही किए, और यही मेरा डिनर भी हो जाएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था. तो ये देखिए ये है मेरा वो कॉपर का कंटेनर जिसमें मैं पानी स्टोर करती हूँ. तो इसको मैंने वॉश करके ऐसे उल्टा करके रख दिया था, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर जो भी मतलब एक एयर सी लग जाए, उसके बाद मैं इसमें पानी भरूंगी. तो पानी भरने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से ही दो ग्लास पानी निकाल करके रख लिया था. और जब तक सब्ज़ी वगैरह बन गई, फिर जब हम खाना खाने गए तब मैंने इसमें पानी लगा दिया था भरने के लिए प्योरीफायर से. तो ये देखिए गर्मा गर्म सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई, और आपकी क्वांटिटी देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि शाम की भी यही सब्ज़ी बनने वाली है. तो जब भी कुछ अच्छा बनाते हैं, थोड़ी मेहनत वाला चीज़ बनाते हैं, तो फिर आराम से थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ मैं, ताकि दो बार तो एटलीस्ट खाने को मिले, थोड़ा रिलैक्स भी मिले, और जब चीज़ अच्छी बनती है तो बार बार खाने का भी मन होता है. तो ये है मेरी लंच थाली, और इसी तरीके की कुछ मेरी डिनर थाली भी रहेगी. और अब मैं आपको मिलती हूँ शाम में. वन वेलकम बैक. सो
लंच तो आपने देख लिया, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, मैं आई थिंक कई बार बता चुकी हूँ। सो वही हम डिनर में कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से मैंने बना ली थी। तो अभी मैं एकदम फ्री हूँ और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और अब मैं बाहर जाने वाली हूँ, अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा मिलूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश वगैरह हो रही है, तो अभी बारिश थोड़ी रुकी हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हालांकि थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा सा होने लगा है, बट जाके मिलके थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेकर रख के आते हैं। तो बस मैं वहीं जाने वाली हूँ, जाने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि और लोग भी घर में हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और समझ सकते हो ना आप। तो बस मैं इस कमरे में कोने में आकर के आपसे बात कर ले रही हूँ। सो मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ में एक पॉइंट शेयर करना चाह रही थी रिलेटेड टू फिटनेस। जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार वर्कआउट करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है और एक्टिव रहना है। सो यहाँ पर एक चीज़ कई बार ही पूछते हैं सब लोग कि यार नैप ले सकते हैं, दिन में सो सकते हैं, नहीं सोना चाहिए। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि दिन में सोते हैं तो मोटे होते हैं। मैंने तो कईयों बार सुना है कि जो जितना सोता है वो उतना मोटा होता जाता है या उसका फैट बढ़ता जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है। प्रॉपरली अगर आप चीज़ों को करते हैं तो वो आपको कभी भी बैड इफ़ेक्ट नहीं देती है, चाहे वो खाना हो चाहे वो आपके एक्टिवनेस हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, अच्छा और बैलेंस्ड डाइट लें, बट उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्टिविटी और अपना रेस्ट टाइम जो है उसके बीच में एक बहुत अच्छा सा बैलेंस बना करके रखें। आपको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना। एक्सरसाइज करने के साथ साथ पूरे दिन भर आपकी बॉडी जो है वो मूव करती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ में आपकी बॉडी को रेस्टिंग टाइम भी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडर रेस्ट हैं, प्रॉपरली रेस्ट नहीं करते हैं, थके हुए हैं और आप मतलब करते जा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को इंटरनली डैमेज करता है, बिल्कुल भी आपके फिटनेस को कहीं से भी प्रमोट नहीं करता है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता और कई बार आपको इंस्टेंट पता नहीं चलता, लॉन्ग टर्म में आपको उसका नुकसान भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि भाई डाइट वगैरह तो आपने बैलेंस ले ली, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग कहते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप अगर अंडर रेस्ट है तो आप 10 घंटे भी नींद ले सकते हैं, उससे आपका फैट कहीं नहीं बढ़ेगा। आप उस दिन एक्सरसाइज कम कर सकते हो, रेस्ट ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। सब कुछ आपकी बॉडी के नीड पर है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो रेस्ट हो, आपकी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है आपको उतना देना ही पड़ेगा। जिस तरीके से जब आप एक्टिव रहते हो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है और आपका वेट लॉस होता है या फिर आपका मतलब एक्स्ट्रा फैट जो है वो लॉस होता है, उसी तरीके से जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होते हो, पूरे दिन भर एक्टिव रहते हो, तो अंदर से कुछ कुछ टिश्यूज़ भी ब्रेक होती है, डैमेज होती है, तो उनको रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रेस्ट करते हो तो आपकी बॉडी इंटरनली रिकवर होती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है और आपको एनर्जी मिलती है अगला दिन या अगला मतलब जब आप सो के उठते हो, रेस्ट करके उठते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, वापस से आप सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आप अंडर रेस्ट हो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही है, सिर्फ देती जा रही है और रेस्ट नहीं कर रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिजिकली नहीं, आपका मेंटली भी। आप जब सोते हो तो आपका दिमाग, आपकी सोल जो है वो रेस्ट कर रही होती है, तो उससे आपको अच्छा भी लगता है, आपके हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस होते हैं। इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। और दिन में नैप लेने की जहाँ तक बात है, तो डेफिनेटली अगर आप थके हुए हैं, सबके एनर्जी लेवल कैलिबर अलग अलग होता है। कुछ लोग दिन भर काम करते हैं बिल्कुल नहीं थकते हैं, कुछ लोग थोड़ा काम करने के बाद भी थक जाते हैं, तो धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ता है, धीरे धीरे आपकी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ और तब हो सकता है कि मैंने काम भी ज़्यादा ना किया हो, ऐसा होता है। बॉडी है कभी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आपको रेस्ट चाहिए, तो फिर आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, आप इंस्टेंटली थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए जितना आपको लगता है कि अब आप रिलैक्स महसूस करें और वापस से एक्टिव हो जाइए। यहाँ पर इसका मिसयूज़ नहीं करना है कि यार मेरे को मतलब डेली 1 घंटा सुबह दिन में सोना ही है, ऐसा कुछ कंपल्शन मत रखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप मत सोइए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप थके हुए हैं तो भी ज़बरदस्ती कि यार मुझे 1 घंटा सोना है, ऐसा मत करिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही आराम कीजिए और जितना ज़रूरत है उतना एक्टिव रहिए, अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए और अपने एक्टिविटी और रेस्ट के बीच में बैलेंस ज़रूर से बनाइए, इस पर वॉच ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे की नींद ही लेनी है, अगर आपको 9-10 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप उतना लीजिए।
जब भी लीजिए साउंड स्लीप कीजिए गैजेट्स वगैरह के साथ में, या कुछ सोचते हुए मत सोइए, ताकि जितना आप सोएं उतना आपको इफेक्ट मिले। ऐसा नहीं कि बट आपने सोने में टाइम तो लगा दिया बट आप एक्चुअली में अंडर रेस्ट, या आपकी बॉडी ने प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया। और रेस्ट से मतलब फिजिकल नहीं, आपका मेंटली भी रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ज़रूर एक नज़रिया मिला होगा इस पॉइंट पे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, ऐसे ही और भी टिप्स एंड चीज़ें आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कोई पॉइंट हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आपके कोई एडवाइस हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एंड यस, अब मैं जा रही हूँ बाहर और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, बाय। तो रात तो हो चुकी थी, मतलब रात का दिन डूबने जैसा हो गया था, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, बट हवा बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। और वैसे तो मैं घर से चाय पी करके आई थी, बट जब मौसम ऐसा हो ना बारिश वाला तो चाय एक और बन जाती है। तो आधी कप चाय मेरी फ्रेंड ने बना ली थी, ये है वो चाय। और फिर हम लोगों ने चाय पे चर्चा की और थोड़ा सा मैं शूट करने की कोशिश करी थी बट बहुत अच्छा कुछ क्लिप मुझे नहीं मिल पाया। एंड इसी के साथ मैं ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज मैं इसी तरीके के व्हाट्स इन माय मील एंड फिटनेस टिप एंड डेली व्लॉगिंग कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहती हूँ। कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी अभी आने बाकी हैं, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।